गूगल बंद कर रहा मेल की ये खास सर्विस, इस दिन के बाद नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। गूगल प्लस और एलो के बाद गूगल ने अपनी एक और सर्विस बंद करने का फैसला किया है। गूगल ने बताया कि उसकी सर्विस इनबॉक्स बैग मेल को 2 अप्रैल के बाद पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए गूगल ने यूजर्स को पहले ही नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसे मार्च के आखिर में शटडाउन कर दिया जाएगा। मगर अब गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि यूजर्स 2 अप्रैल के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि इनबॉक्स बैग मेल के बंद होने से पहले ही इसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। मेल के इस ऐप को 2014 में लॉन्च किया गया था। गूगल ने इस ऐप को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर वे यूजर्स करते थे जिनको दिन में ज्यादा ईमेल रिसीव होते थे। अगर इनबॉक्स बैग मेल की खासियत की बात करें तो इस ऐप के जरिए यूजर्स ईमेल का ऑटो रिप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा इसमें यूजर्स को बंडल्स या बल्क रिप्लाई करने का भी ऑप्शन दिया गया था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के बंद होने पर गूगल अपने मेल ऐप में ऑटो रिप्लाई, इनलाइन अटैचमेंट जैसे फीचर्स इंटीग्रेट करने की तैयारी में है। पिछले साल गूगल ने एक बयान में कहा था, 2014 में इनबॉक्स ईमेल सर्विस लॉन्च करने के 4 साल बाद हमने सीखा है कि ईमेल को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमने इनबॉक्स के पॉपुलर एक एक्सपीरियंस को लिया और उन्हें जीमेल में ऐड कर दिया है। अब हम पूरी तरह से जीमेल पर फोकस करेंगे। बता दें कि गूगल ने हाल ही में अपने चैट ऐप एलो को भी शटडाउन कर दिया था। साथ ही 2 अप्रैल को इसकी सर्विस गूगल प्लस को भी बंद कर दिया जाएगा।